बाय काम कर से जा मर्जी जा तो जाएगा तेरी 60 में वो बेचारा अब वो शादी हो गई है ना तो वो पालक धनिए के ब्लॉग बना रहा है कुत्ता डर और ये अमेरिका का साइन है तो ये अमेरिका की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त चल राजपूत। अभी हम जा रहे हैं जेठी को ड्रॉप करने। हमारे उत्तराखंड में मम्मी की बड़ी बहन को जेठी बोलते हैं, तो वो गांव से आ रखे हैं। वो बद्दी जा रहे हैं, कोई लेने आ रहा है उनको, तो वहां तक मैं उनको ड्रॉप कर रहा हूं जहां तक वो भाई आ रहे हैं लेने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे 40 सेक्टर। मुझे एक्टिवा की सर्विस करवानी है क्योंकि हमारा एक प्लान बन रहा है लॉन्ग ट्रिप का, और साथ ही साथ में कंचन को भी अपनी बाइक का काम करवाना है, और हेमंत से भी बात हुई है तो उसके घर के पास ही है, तो वो भी हमें वहीं पर मिलेगा। और भाई कैसे हो? हैं? बाय। हैं? टाटा गुड नाइट, गए खत्म। तो अभी हम हैं खुड्डा लोहरा में, और यहाँ से अब हम निकलेंगे धनास होते हुए आउटर 40 सेक्टर के लिए सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि मैं वहीं से करवाता हूँ सर्विस। और हेमंत वहीं पर हमें मिलने वाला है, कंचन भी वहीं पर मिलने वाली है। तो सर्विस कराने के बाद 21 सेक्टर भी जाना है, कुछ मॉडिफिकेशन के काम है, और मुझे एक हेलमेट लेना है। अभी जो हमारी राइड होने वाली है, 3-4 लोगों का ट्रिप था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ट्रिप अब सिर्फ 1-2 लोगों का ही रह जाएगा। पहले ये पोस्टपोन हुआ मेरी वजह से, क्योंकि 2 दिसंबर का प्लान था, लेकिन मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे ऑफिस में काम था। और फिर जब मेरा प्लान थोड़ा सा बना 8-9 तारीख के आसपास का, तो फिर औरों के प्लान डगमगा गए। तो यही होता है थोड़ा सा, ग्रुप में टाइमिंग कई बार मैच नहीं करती है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन जा पाते हैं। 40,000 चलता कैसे? ये मोबाइल में ही दिखता है। एक्टिवा सर्विस में टाइम टाइम से करवाता हूँ, 1500 से 2000 किलोमीटर के अंदर, और अच्छे से करवाता हूँ, क्लच वगैरह का काम करवाता हूँ। इसीलिए एक्टिवा से मैं लॉन्ग राइड्स कर सकता हूँ, जैसे लेह लद्दाख हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, सभी राइड्स मैंने एक्टिवा से की है, क्योंकि इसको प्रॉपर मेंटेनेंस देता हूँ तो ये अच्छे से चल जाती है। पीछे आगे दोनों साइड में एक और ब्लॉगर। वो बेचारा अब वो शादी हो गई है ना तो वो पालक धनिए के ब्लॉग बना रहा है कि मार्केट से सब्जी कैसे लेके आनी है। अच्छा, इसको दबा के ऑफ कर देना बस। मैं आ ही जाऊंगा ना, जा मर्जी जा तो जाएगा तेरी 60 में। तो अभी हम आ गए हैं 21 सेक्टर की मार्केट में सर्विस करवा के, और कंचन सामने अपना टायर चेंज करवा रही है पिछला, क्योंकि उसके 5 पंचर थे, तो लॉन्ग राइड के लिए अब थोड़ा सा वो सूटेबल नहीं रहेगा, पंचर होते रहते हैं। और मुझे इसमें अपना इंस्टा 360 के लिए जुगाड़ बनाना है, जिसमें मैं स्टैंड लगा के इसको कवर अप कर सकूं। दोनों भाई भाई से नहीं लग रहे थे? सेम से हेलमेट लग रहे हैं, सेम से उनका वो कुत्ता डरा दिया तुमने वहाँ पे। कितने करने हैं इसके? 160 में 1600 ही करते हैं। हाँ बस चलें, माइक देख लो, मैं कह रहा हूँ बाद में फिर टाइम नहीं लगेगा ना, बिजी रहोगे तो बाद में कहाँ टाइम रहेगा। हाँ जरूरत ही नहीं है, पीछे लगाओ। क्या बाइक? बाइक कोई पीछे उठा के ले जाएगा कोई? एक हेलमेट जो कि मेरे बजट में भी सही रहे और साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी भी हो। तो मेरे दिमाग में था कि जो भी हेलमेट होगा, सबसे पहला उसकी क्वालिटी, पैडिंग रिमूवर और डबल वाइज़र,
ये मेरे दिमाग में था। तो जब हम गए वहाँ पे, अलग अलग प्राइस रेंज के थे, बहुत महंगे भी थे। तो दोस्तों ये जो मैंने हेलमेट लिया है, ये है वेगा का हेलमेट, वेगा राइकर का हेलमेट है ये, राइकर नाम है। और ये ISI प्लस DOT डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है। इसका मतलब ये होता है, ISI होता है हमारे इंडिया का, क्योंकि इंडिया में जितने भी जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है हेलमेट्स को कि हाँ ये सेफ्टी के लिए अच्छा है, तो उसमें ISI मार्क होता है। यूरोप का होता है ESE समथिंग है, तो यूरोप का ESE है। और ये अमेरिका का साइन है DOT डॉट, तो ये अमेरिका की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। ये जो हेलमेट है वेगा का, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको डबल वाइज़र मिलता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट और UV प्रोटेक्शन हो गया। और उसके बाद जो ये है, ये आपका अंदर एक और वाइज़र आ गया, ये आपका हो गया सन रेज के लिए वाइज़र, जो दिन को धूप वगैरह होती है तो उसमें आप ये अंदर का यूज़ कर सकते हो। और जब डस्ट वगैरह है कुछ है तो ये आप बाहर का वाइज़र यूज़ कर सकते हो। प्लस इसकी जो पैडिंग्स है, पैडिंग्स इसकी बिल्कुल रिमूवर है, तो यहाँ से जो अंदर की पैडिंग्स होती है इसको आप ऐसे, ये खुल जाते हैं, इसके यहाँ पे लॉक होते हैं, तो ये पूरा रिमूव हो जाता है। तो इससे ये होता है कि जब भी आप राइड्स वगैरह करते हो तो उसके बाद आप इसको पैडिंग्स को निकाल कर वॉश कर सकते हो, वॉश करके सुखा के एंड देन फिर इस पर अप्लाई कर सकते हो। प्लस इसमें एयर वेंट्स भी दिए होते हैं, एयर वेंट्स यहाँ पर दे रखा है, इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एयर वेंट्स होते हैं ताकि हल्की हल्की हवा भी क्रॉस होती रहे। प्लस यहाँ पर एयर वेंट्स है, यहाँ साइड में ये वाले एयर वेंट्स दे रखे हैं, इधर की साइड में एयर वेंट्स है, इसके बैक साइड में यहाँ पर एयर वेंट्स दे रखे हैं, और टॉप में भी यहाँ पर भी एयर वेंट है, और इसका बटन यहाँ पर है। ये जो वेगा राइकर का हेलमेट है, ये पड़ा है मुझे 1629 रुपये का, क्योंकि 21 सेक्टर की मार्केट में हम थे, और 21 की मार्केट में काफ़ी शॉप्स है जहाँ पे आपको हेलमेट्स, राइडिंग गियर्स, राइडिंग का पूरा सामान मिल जाता है। तो एक अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी था। इसकी 5 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी इसकी पूरी बिल्ट क्वालिटी की है, कि अगर कहीं से भी टूटता है, क्रैक होता है 5 साल में, तो ये वापस हो जाएगा, बिल आपके पास होना चाहिए बस। तो एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है, ISI के साथ साथ DOT डॉट सर्टिफाइड है, जो कि पता लग रहा है कि दो दो सर्टिफिकेशन है, तो कितना अच्छा होगा। ये 1629 रुपये का है, इसी में ग्राफिक का था जो 1900 के आसपास था, बहुत ही अच्छे उसमें श्री राम, श्री बजरंग बली समथिंग ग्राफिक थे, काफ़ी अच्छे अच्छे और ग्राफिक्स भी थे, लेकिन उसमें फिर डबल वाइज़र नहीं था, उसमें सिर्फ ये वाइज़र था, जो अंदर का वाइज़र है वो नहीं था 1900 रुपये में, ये वाइज़र उसमें नहीं था। अगर आपको ग्राफिक्स के साथ में डबल वाइज़र भी चाहिए है, सब कुछ चाहिए है, तो वो ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपये का था। तो ये 1629 का है, वो 2200-2300 का, मतलब समथिंग 700 के करीब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो मुझे ये लगा कि जब अगर 1600 में मुझे मेरी मतलब क्वालिटी के साथ साथ में डबल वाइज़र मिल रहे हैं, पैडिंग रिमूवर मिल रही है, तो मैंने यही प्रेफर किया, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा खर्चने के मूड में नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खर्चूँ। अगर खर्चने की बात है तो फिर तो 5-5, 6-6 हज़ार के, 10 हज़ार के भी हेलमेट्स हैं। तो हमें जो हमारी मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो यही थी, और ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई है 1600 रुपये में, तो हमारे लिए ये बढ़िया है। और आज एक फटका और पड़ गया, ये मेरा 32 GB का जो कार्ड है ये क्रैक हो गया है, क्योंकि इसमें कंचन की एक वीडियो थी, तो वो मैं दे रहा था उसको निकाल के मेमोरी कार्ड, ताकि वो अपने फ़ोन पे कॉपी कर ले, और जब हम 21 सेक्टर में थे तो ये मुझसे नीचे गिर गया और मैंने देखा नहीं, और मेरे जूते के नीचे आ गया, तो ये हल्का सा क्रैक हो गया है। मेमोरी कार्ड गया तो गया, इसकी जगह चलो दूसरा आ जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर डेटा था, क्योंकि कुछ डेटा ऐसे थे जो मैंने कॉपी तक नहीं किए थे अभी, वो सारा डेटा चला गया। तो जी मेमोरी कार्ड तो डिटेक्ट नहीं हो रहा, चेक कर लिया मैंने, हल्का सा ही हल्का बैंड हुआ, ये हल्का यहाँ पे क्रैक आया ऊपर बीच में, बट इसका सारा अब डाटा गया। ये 128 GB तो मेरे जो हेलमेट में कैमरा लगता है उसका है, और 128 GB का मेमोरी कार्ड इंस्टा 360 में भी है, प्लस 16 GB का कार्ड है जो मेरे पर्स में पड़ा है। तो अब मुझे इसको, क्योंकि ये डाटा तो गया प्लस ये ख़राब भी हो गया, तो अब गया तो गया, अब एक और 64 GB का लेना पड़ेगा, जो कि बैकअप में काम आएगा, क्योंकि जब ये कार्ड 128 वाले कैमरे वाले भर जाएंगे तो फिर वो 64 बैकअप वाला और 16 GB का वो काम आएगा।
दोस्तों इस चीज़ से सीख ये मिलती है कि कभी भी आप कहीं राइड से आ रहे हैं या कुछ भी आपका डेटा है उसको आप आते ही तुरंत कॉपी कर ले अपने लैपटॉप हार्ड डिस्क कहीं पर भी या उसको एक अलग जगह पे कॉपी कर ले अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है कोई अलग कार्ड हो आपके पास, क्योंकि डेटा करप्ट हो सकता है, मेमोरी कार्ड ख़राब हो सकता है जैसे मेरा हो गया और मैंने बेवकूफ़ी करी क्योंकि इसमें मेरा एक पूरा व्लॉग था जो कि अनएडिट था वो मैंने कॉपी ही नहीं किया तो अब वो व्लॉग तो चला गया। तो कार्ड तो है ख़राब हो जाएगा, 128 GB है ये भी हो जाएंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन जो डेटा होता है वो ज़रूरी होता है। तो आगे से अब यही करूँगा कि पहले मैं फटाफट आके कॉपी ही करूँगा सबसे पहले। तो जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगा तो मैं राइड में होऊँगा, तो उसके बाद आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ पहाड़ देखने को मिलेंगे और व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। प्लस जनवरी में फिर हमने गाँव जाना है और वो शायद मेरा एक हफ्ते का टूर होगा, तो उसमें भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी मिलेंगे और पहाड़ दिखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। थैंक यू और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।